हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि बॉयलर बर्ड्स को शुरू के 2 या 3 दिन कितना टेम्परेचर चाहिए। वैसे देखा जाए दोस्तों तो किताबी भाषा में सीधा सीधा 32 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक आप चूजों को गर्मी ब्रूडिंग हॉल के अंदर दे सकते हो। लेकिन अगर आपके यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, मौसम पूरा ख़राब है, टेम्परेचर गिनने के लिए आप ऐसे डिजिटल हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें कभी कभी परफेक्ट टेम्परेचर नहीं बताता है, तो ऐसे समय में टेम्परेचर को नापने का इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, चिक्स अच्छी तरह से खेल रहा है। जी हाँ दोस्तों, चिक्स अच्छी तरह से खेल रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर सही है, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही है, पानी जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा है और चिक्स एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा है। ये जो अभी आप देख रहे हो दोस्तों, ये मैं इधर होने के कारण और वीडियो की आवाज़ चलने के कारण ये दोस्तों एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। जैसा ही मैं इधर जाऊंगा दोस्तों, आप देख सकते हो चिक्स अच्छी तरह से दौड़ रहा है, उसे दौड़ाने की ज़रूरत नहीं गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, चिक्स को दौड़ाने की ज़रूरत अगर नहीं गिरती है, चिक्स आदमी को देख के वैसे ही भागना शुरू करता है, तो मान लीजिए आपका टेम्परेचर परफेक्ट है। बट इसमें ध्यान रखना कि टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कोई भाई साहब ज़्यादा फोकस, ज़्यादा लाइट, ज़्यादा ब्रूडर का इस्तेमाल करके इतना टेम्परेचर बना देते हैं कि चिक्स तो भागेगा ही, बट ज़्यादा टेम्परेचर से चिक्स लूज़ भी होता है। इसीलिए कोई भी टेम्परेचर गिनने का डिवाइस का इस्तेमाल करके, फिर आप वो डिजिटल थर्मामीटर हो या और भी कोई चीज़ हो, उससे टेम्परेचर गिनना चाहिए ही चाहिए। यानी कहने का मतलब कि टेम्परेचर गिनने के बाद ही दोस्तों लाइट ऑन ऑफ कीजिए, उसके सिवा मत कीजिए, या फिर ऑटोमेटिक ब्रूडिंग कीजिए सीधी तरह। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये 20x30 स्क्वायर फिट का ब्रूडिंग हॉल है। इसमें 2 राउंड है, एक राउंड का कैपेसिटी 1000 का है। इसमें 2000 चिक्स अभी डले हुए हैं और अभी तक, ये कल चिक्स आया था दोस्तों सुबह, तो अभी तक हमारा इस शेड की बात कर रहा हूँ, 2000 में मात्र 2 बर्ड्स अभी मरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा मोर्टिलिटी नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 500 वाट्स वाली हेलोजन लाइट लगी हुई है और वो उसमें की आधी लाइट पूरी तरह से ऑटोमेटिक है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों हमारा ये ब्रूडिंग हॉल है, आप देख सकते हो चिक्स अच्छी तरह से खेल रहा है। मैं थोड़ा हाथ भी हिलाऊं दोस्तों तो चिक्स भागना शुरू कर देता है, यानी इसका मतलब दोस्तों सही टेम्परेचर है। अगर दोस्तों ब्रूडिंग के समय टेम्परेचर सही रहा तो चिक्स की ग्रोथ जो होती है ना, वो बहुत फास्ट होती है। बहुत सारे मित्र बोलते हैं कि 42 दिन हो गया अभी 2 किलो का वेट नहीं आया, 45 दिन हो गया अभी 2200 ग्राम पे। तो अगर आपका ब्रूडिंग में ही चिक्स लेट हो जाएगा तो उधर भी आपका जो बॉडी वेट है, चिक्स का बॉडी वेट है, वो लेट चलेगा। इसीलिए सही तरह से ब्रूडिंग कीजिए और बॉयलर में अच्छी तरह से मुनाफा कमाइए। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।